गुड मॉर्निंग एस के जे ई वी एम के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का जो अपना चैप्टर है वो है ट्वेल्थ क्लास का भारत में शासन, इकाई सेकंड जो आपकी सेकंड जो खंड है उसका इकाई सेकंड है उसका आपका फर्स्ट चैप्टर है लोकसभा राज्य एवं राज्यसभा और संसद, किस प्रकार इनका गठन होता है, किस प्रकार इनमें सदस्यता लेने के लिए क्या क्या योग्यताएँ होनी चाहिए, किस प्रकार हम इनमें ज़्यादा समय तक कार्यकाल कर सकते हैं, कौन से जो चार्टर के तहत ये सारा कुछ अस्तित्व में आया। तो ये भारत में शासन प्रणाली किस प्रकार की, लोकतंत्रात्मक है कि राजतंत्रात्मक है, और लोकतंत्रात्मक है तो उसमें क्या क्या अंग है, संसद है तो इसके लिए गठन किस प्रकार होता है, क्या क्या इसके लिए योग्यताएं होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये सारा कुछ हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ते हैं। भारत में शासन पार्ट एक अपना ये संसद लोकसभा एवं राज्यसभा। ऑलरेडी अपन ये चैप्टर्स 11th क्लास में पढ़े हैं, 11th में हमने इनको डिटेल में पढ़ा है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इनका आपके 12th क्लास में भी है, तो इनको अपन पढ़ लेते हैं। जो कुछ भी इंपॉर्टेंट इसका वर्ड होगा वो मैं आपको साथ में एक्सप्लेन करती चलूँगी। तो सबसे पहले है यहाँ पर संसद, तो इसको रीड कर लेते हैं एक बार। क्या लिखा है यहाँ पर कि किसी भी लोकतांत्रिक शासन में सरकार के तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। ये तो हम सबको पता है कि हमारे इंडिया में लोकतांत्रिक शासन चलता है जिसमें जनता का जनता के लिए जनता द्वारा ही शासन होता है। यहाँ पर जो है सरकार के तीन महत्वपूर्ण अंग होते हैं अपने, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जो होती है वो अपन को पता ही है कि वो कानून निर्माण का कार्य करती है, और जो कार्यपालिका होती है उस कानून को वो लागू करती है राज्य में, किस प्रकार उसको लागू किया जाना है नए कानून को। और जो न्यायपालिका होती है इन दोनों के कामों की वो व्याख्या करती है, यानी कि अगर कोई सुचारू रूप से कानून लागू नहीं हुआ है, यदि उसमें कुछ थोड़ी सी भी मीन मेक है तो उसकी वो क्या करती है, व्याख्या करती है, न्याय करने का एज वो काम करती है। व्यवस्थापिका के प्रत्येक देश में अलग अलग नाम होते हैं। अब जो मेन चीज़ जो क्या है आपकी व्यवस्थापिका जो कि कानून निर्माण का कार्य करती है, इसको अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहले इसमें क्या दे रखा है कि ब्रिटेन में से पार्लियामेंट, संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस, जापान में डायट, जर्मनी में बुंडेस्टॉन्ग, ईरान में मजलिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या क्या इस व्यवस्थापिका के नाम है, अपने इंडिया में तो हम इसको व्यवस्थापिका करते हैं, लेकिन ब्रिटेन में इसे पार्लियामेंट कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे कांग्रेस, जापान में डायट, जर्मनी में बुंडेस्टॉन्ग, ईरान में मजलिस कहते हैं। भारत की व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है, जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है, जिसके अनुसार भारतीय संघ के लिए एक ही संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। हमको पता है कि हमारी जो संसद है उसके दो सदन हैं, एक तो है आपकी राज्यसभा और एक है आपकी लोकसभा, जिसमें से जो आपका उच्च सदन है वो आपका कहलाता है राज्यसभा और जो निम्न सदन है वो लोकसभा कहलाती है। ये हमको बेसिक चीज़ है जो हमको पता ही है कि भारतीय संसद में संसद के दो सदन होते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है कि जिसके अनुसार भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी जो कि हमारी कंट्री के अंदर है ऑलरेडी, जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। यानी कि जो किसी भी संसद का निर्माण होता है वो किस किससे होता है, एक तो राष्ट्रपति से और दो सदनों से जो कि राज्यसभा और लोकसभा होते हैं उनसे मिलकर वो बनती है, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। इस प्रकार राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ ही संघ की व्यवस्थापिका अर्थात संसद का भी अभिन्न अंग होता है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर क्या दे रखा है कि यह व्यवस्था नितांत संसदीय शासन प्रणाली का अनुरूप है, यानी कि जो भी व्यवस्था हमने अपनाई है वो क्या है, संसदीय शासन प्रणाली के अनुरूप ही हम उसके पद चिन्हों पे ही चल रहे हैं, जिसके अनुसार के एक राष्ट्रपति और दो अपने सदन हैं। भारत में आधुनिक रूप में लोकतंत्र एवं संसद के रूप में प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना ब्रिटेन शासन की देन है, यानी कि जो कुछ अपन ने अंगीकृत किया है कि भारत में आधुनिक यानी कि वर्तमान समय में जो लोकतंत्र और संसद के रूप में जो प्रतिनिधि संस्थाएँ चल रही है वो किससे ली गई, अपनी किससे, किसकी कॉपी की, हमने ब्रिटिश शासन की कॉपी की है। ठीक है, हालांकि प्रतिनिधि निकाय तथा लोकतांत्रिक स्वशासित संस्थाएं भारत में प्राचीन काल से ही विद्यमान रही, यानी कि प्राचीन काल में भी जो यहाँ पर शासन व्यवस्था थी तो लगभग कुछ कुछ वो कैसी थी, लोकतांत्रिक स्वशासित संस्थाएं भारत में प्राचीन काल से जो विद्यमान थी उनके अनुरूप वो चल रही है। यानी कि थोड़ा सा उसका कंपेरिजन बताया कि थोड़ी थोड़ी व्यवस्थाएं जो पौराणिक रूप से जो चल रही थी उन व्यवस्थाओं से मिलती जुलती है। अब जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है कि यहाँ पर दे रखा है कि ऋग्वेद में सभा और समिति नामक दो संस्थाओं का उल्लेख आता है। ठीक है, ऋग्वेद जो था उस समय जो ऋग्वेदीनकालीन जो सभ्यताएं थी उसमें क्या था कि सभा थी और समिति थी, उसमें क्या है कि दो संस्थाओं का उल्लेख आता है, ये दो संस्थाएं उस समय चलती थी।
समिति आधुनिक लोकसभा में सदृश मानी जाती है, यानी कि उस समय जो समिति चलती थी उसको क्या है कि वर्तमान समय में हम लोकसभा के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी उसकी कार्य जो शैली है वो उस समिति के अनुरूप ही चलती है। जबकि सभा विशिष्ट लोगों का संगठन हुआ करती थी जिसका स्वरूप आजकल की राज्यसभा से मिलता जुलता है। यह तो हम लोग भी जानते हैं कि राज्यसभा के अंदर जो व्यक्ति बैठते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं, तो उनको क्या है कि उनको राज्यसभा में विशेष रूप से स्थान दिया जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है कि जबकि सभा जो होती थी वो विशिष्ट लोगों का संगठन हुआ करती, जैसे कि जो मतलब कि ज़्यादा दिमागी लोग थे, जो ज़्यादा मतलब कि पेचीदा स्थिति से जल्दी निपट सकते थे, उनको क्या है कि उनको सभा में सम्मिलित किया जाता था। उनकी जो है कि मतलब कि उनकी जो ओपिनियंस लिए जाते थे कि किस प्रकार किसी मुसीबत से हमको निकलना है, किसे इसका हमको अच्छे तरीके से निपटारा करना है, उसी तरीके से क्या है कि राज्यसभा में ऐसे लोग अभी वर्तमान समय में सम्मिलित हो रहे हैं। तो ये जो सभ्यता थी मतलब कि सभा और समिति का कंपैरिजन करती है कि वर्तमान समय में जो लोकसभा और राज्यसभा उनसे इनका कंपैरिजन कर दिया गया है। चलिए देखते हैं, अब इसकी हम पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि क्या रहा है इसका। तो पृष्ठभूमि के अंदर इन्होंने दे रखा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान विभिन्न अधिनियमों द्वारा भारत में संसदीय परंपराओं को सीमित एवं मुख्यतः अनुत्तरदायी रूप से लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ये तो हम जानते हैं कि हमारे जो अधिनियम थे वो अधिनियम के तहत ही जो वर्तमान जो अपना लोकतंत्र वो अस्तित्व के अंदर आया है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि 1833 के चार्टर के अधिनियम से 1935 के भारत शासन अधिनियम तक में संसदीय तत्वों के विकास को देखा जाता है, यानी कि जो अधिनियम 1833 में चला था, सेंट हेलेना अधिनियम इसको बोलते हैं, आप लोग नोट कर लेना, 1833 का जो अधिनियम था ना उसको सेंट हेलेना अधिनियम भी बोला जाता है। कुछ एक जो समय की जो मतलब कि जो शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही थी उनको सही करने की मांग उठाई गई थी उस समय में। वर्तमान में अभी आप खाली आप इसको इतना समझो कि 1833 का जो चार्टर इसको सेंट हेलेना अधिनियम भी बोला जाता है, इतना आपके लिए सही रहेगा। तो इस अधिनियम से क्या था कि 1935 के भारत शासन अधिनियम तक में संसदीय तत्वों के विकास को हम देख सकते हैं, यानी कि तब से लेकर अब तक कितने कितना जो विकास हुआ है संसद में वो हम देख सकते हैं। 1892 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या 16 निर्धारित कर उनमें से 4 सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करने की प्रक्रिया को शामिल किया गया था। 1909 ईस्वी के अधिनियम द्वारा अधिकतम सदस्य संख्या को 60 कर दिया गया था तथा उनके अधिकारों में भी वृद्धि कर दी गई थी, लेकिन दूसरी ओर इनके निर्वाचन में सांप्रदायिक प्रणाली को प्रारंभ कर भारतीय एकता को खंडित करने के प्रयास भी किए गए थे। यानी कि उस समय जो मतदान प्रणाली जो विकसित हुई थी, मतदान करने की जो सिस्टम वहाँ पर लागू हुआ था, तो उस समय उन्होंने लागू तो कर दिया था लेकिन उसमें क्या था कि सांप्रदायिकता को इकट्ठा कर दिया था। कहने का मतलब ये हो गया कि जो मतलब कि अच्छे वर्गों के अच्छी कैटेगरी के लोग थे उनको वोटिंग करने का अधिकार था और निम्न कैटेगरी के लोगों को वोटिंग करने का अधिकार नहीं था। इसमें भी क्या थी, वो लोगों ने पार्शियलिटी कर दी थी। अब आगे क्या दे रखा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा केंद्रीय स्तर पर एक सदनीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय विधान मंडल बनाया गया, जिसमें से एक था राज्य परिषद और दूसरा था विधानसभा, और प्रत्येक सदन के अधिकांश सदस्य निर्वाचित होते थे। निर्वाचित मतलब कि उनकी वोटिंग होती थी, जो भी सदस्य इसमें जैसे विधान परिषद और द्विसदनीय विधान मंडल जो बनाया था उनमें से एक तो राज्य परिषद था और दूसरा क्या था, विधानसभा। अब इनके अंदर जो क्या था कि जो भी सदस्य आते थे वो निर्वाचित होकर आते थे, यानी कि उनकी वोटिंग होती थी। इसी तरह 1935 के अधिनियम द्वारा भी इन दोनों सदनों को बनाए रखा गया, यानी कि 1935 का जो अधिनियम था उसके तहत क्या था कि ये जो दो सदन बनाए गए थे उस समय भी इन दोनों सदनों को बनाए रखा, यानी कि ये व्यवस्था उस समय भी लागू की गई थी। हालांकि इनकी सदस्य संख्या और अधिकारों में पर्याप्त बढ़ोतरी की गई, यानी कि समय समय पर जो इनके जो सदस्य संख्या थी और जो इनके जो अधिकार इन्होंने सौंपे थे उनमें यह है कि समय समय पर परिवर्तन होते चले गए। अब देखो परिवर्तन होगा तो सदस्य संख्या में भी वृद्धि होगी और जो अधिकार है उनको भी थोड़ा मॉडिफाई किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा, वही चीज़ है यहाँ पर। फिर भी उत्तरदायी शासन का रूप अब भी खंडित ही था। मतदाताओं की संख्या जो थी वो संपत्ति के आधार पर बहुत सीमित थी, केवल 15% लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। उस समय क्या था कि जो मतदाताओं की संख्या इन्होंने निर्धारित थी की थी उस समय क्या था, संपत्ति को लेकर, यानी कि जो अच्छे कैटेगरी के लोग थे, अच्छे वाले जो कमाते थे वो क्या था, वो वोटिंग करने का उनको अच्छे से राइट्स था। तो उसी वजह से क्या थी कि ये जो व्यवस्था थी मतदान की उस समय की वो थोड़ी सीमित थी। केवल यहाँ पर क्या दे रखा, केवल 15% जो लोग थे वो ही वोटिंग दे सकते थे, उनको ही राइट था। ये मतदाता सांप्रदायिक और व्यावसायिक आधार पर विभिन्न वर्गों में बंटे हुए थे। जो मतदाता थे धर्मों के आधार पर और जो कैटेगरी हो गई और जो धन है उनके आधार पर इनका विभाजन कर दिया गया था। स्वाभाविक रूप से भारतीय संविधान द्वारा गठित होने वाली संसद में इन सभी अलोकतांत्रिक तत्वों को हटाया गया।
अब यहाँ पर क्या क्या कि भारतीय संविधान द्वारा गठित होने वाली संसद, यानी कि भारतीय संसद संविधान जो अब गठित हुई है संसद, उसमें क्या क्या है कि ये सभी जो अलोकतांत्रिक जो चीज़ें थी, अलोकतांत्रिक जो तत्व थे, इनको उनको हटा दिया गया और इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप बनाया गया। वर्तमान समय में हम कहाँ देखते हैं कि सांप्रदायिकता के अनुरूप वोटिंग होती है, हम तो यही देखते हैं ना कि सभी को समान रूप से वोट देने का अधिकार है। जो कोई भी 18 आयु, जो कोई भी मतलब कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, वो सब सारे के सारे जो लोग होते हैं वो वोटिंग में शामिल होते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे वो किसी भी मजहब के हो। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, संसद का गठन। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि संसद का गठन किस प्रकार होता है, ठीक है। तो ये व्यवस्था अपने अनुच्छेद जो है 79 के अकॉर्डिंग हुई है, तो पढ़ लेते हैं इसको भी एक बार हम। जैसा कि पूर्व में उल्लेखित है कि संसद का गठन संविधान के अनुच्छेद 79 द्वारा हुआ है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति के अलावा संसद के दो सदन होंगे, राज्यसभा एवं लोकसभा। राष्ट्रपति के व्यवस्थापिका का अंग होने के नाते क्या क्या कृत्य होंगे, कृत्य मतलब काम होंगे, उसका उल्लेख राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत किया जा चुका है। अतः अब हम संसद की प्रक्रिया एवं दोनों सदनों के गठन एवं कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन या फिर डिटेल में अध्ययन करेंगे। अभी जो हम पढ़ेंगे वो संसद का गठन पढ़ेंगे कि संसद का गठन किस प्रकार होता है। हम लोग ये जानते हैं कि संसद का गठन हो जाए तो होता है वो दो सदनों से मिलकर होता है, एक तो होती है राज्यसभा, एक होती है लोकसभा। राज्यसभा आपका क्या है, स्थायी सदन होता है, हमको पता ही है। और लोकसभा होती है मतलब कि वो हर 5 वर्ष बाद में उसके जो नए नए जो होते हैं वो कमेटी बनती है, नए नए सदस्य उसमें चुने जाते हैं, निर्वाचित होकर आते हैं। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं डिटेल में ताकि हमको बेटर समझ में आए। संसद सदस्य होने की योग्यताएं एवं निर्योग्यताएं, यानी कि संसद का सदस्य होने के लिए आप में क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या आप में योग्यताएं नहीं होनी चाहिए, वो सारा कुछ यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि संविधान ने संसद का सदस्य होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की है। पहली क्या है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। आप देखो जैसे कोई भी आप चीज़ ले करो कि संविधानिक पद पर कोई भी व्यक्ति अगर आसीन होगा ना, तो उसकी अगर योग्यताएं और अर्हताएं होंगी ना, वो सारी कुछ मिलती जुलती होगी। खाली इसमें डिफरेंस कहाँ आएगा, उसकी डिफरेंस आएगा आयु के अंदर, एज के अंदर डिफरेंस आएगा, और बाकी सारी जो 5-6 जो इसकी जो क्वालिटीज़ होती है, जो क्वालिफिकेशन होने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी की सारी सेम चलती है। खाली वो एक जो आयु को लेकर होता है उसमें डिफरेंस चलता है। अब यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिए कि संविधान में संसद का सदस्य होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं, पहली क्या है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, और सेकंड क्या, लंबे समय तक देश में ये मांग की जाती रही है कि देश के सर्वोच्च पदों पर जन्मजात भारतीय नागरिक ही आसीन होना चाहिए। मतलब कि क्या है कि उसका जो बर्थ है वो ही इंडिया के अंदर हुआ होना चाहिए, ये यहाँ पर रिक्वायरमेंट इन्होंने लागू कर दी है। अब यहाँ पर क्या है कि कई देशों में ऐसा प्रावधान भी है कि यद्यपि संविधान में ऐसा उल्लेख अभी तक नहीं है। सेकंड यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है उसकी, कि उसे राज्यसभा के स्थान के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु एवं लोकसभा के स्थान के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु का होना जरूरी है। अब यहाँ पर देखो, राज्यसभा का अगर वो सदस्य बनेगा ना तो उसकी एज क्या होनी चाहिए, 30 वर्ष, और जो लोकसभा का सदस्य अगर वो बनेगा तो उसकी आयु क्या होनी चाहिए, 25 वर्ष। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके पास अन्य ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद निर्धारित करे। इसके अतिरिक्त कोई विकृत चित्त व्यक्ति अथवा अनुमोचित दिवालिया या पागल व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति एक समय में संसद के दो सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है, यानी कि ये हो गया कि वो राज्यसभा को भी ना मतलब कि शामिल है और लोकसभा में भी शामिल, तो ऐसी कंडीशन वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। वो खाली एक ही सदन का सदस्य बनने की योग्यता रखता है, यानी कि वो एक ही सदन को चूज कर सकता है, उसमें वो कार्य कर सकता है अपना। अब यहाँ पर आगे क्या दे रखा है कि कोई व्यक्ति अधिकतम 2 स्थानों से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। यदि वह दोनों स्थानों से निर्वाचित होता है तब 1 माह के भीतर भीतर उसे एक स्थान से रिक्त करना होता है। लोकसभा का सदस्य जो होता है ना, उसमें पर क्या दे रखा है कि वो दो जगह से वो क्या करता है, चुनाव लड़ सकता है, ठीक है ना। यदि दोनों में से किसी एक स्थान पर वो दोनों जगह ही मतलब कि सेलेक्ट हो गया है, तो उसको दोनों में से किसी एक एक जो जगह है उसका चुनाव करना होता है, यानी कि एक ही पद पर वो आसीन रह सकता है। तब देखे हो यहाँ पर दे रखा है ना कि 1 माह के भीतर उसे एक स्थान रिक्त करना होता है। संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार किसी संसद सदस्य को दल बदल का दोषी पाए जाने पर सदस्यता से बर्खास्त किया जा सकता है। हम देखते हैं ना कि आजकल क्या होता है कि अपनी वर्ग से अपने दल से संतुष्ट नहीं होते, तो कोई तो व्यक्ति होता है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाता है, कोई बीजेपी को छोड़कर कोई बसपा में शामिल हो रहा है, ये सब हम लोग देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि दल बदल का अगर कोई दोषी पाया जाता है व्यक्ति, तो उसको उसके सदस्यता से क्या करता है, निकाल सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं। इसके अलावा सदस्य के चुनावी अपराध अथवा चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी सिद्ध होने पर उसे सदस्यता से बर्खास्त किया जा सकता है। सेकंड यहाँ पर क्या दे रखा, ओथ यानी कि शपथ। अब वो निर्वाचित तो हो गए तो उनको क्या है, उनको शपथ भी तो दिलवानी पड़ेगी ना, ताकि शपथ लेने के उपरांत बाद में वो क्या कर सके, अपना सही तरीके से वो काम कर सके। तो यहाँ पर क्या है, शपथ कि संसद के सभी सदस्य जिन्हें हम बोलचाल में सांसद अथवा एमपी, एमपी मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
ठीक है, तो एमपी कर संबोधित करते हैं, अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं और उस पर अपने हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको टिक मार्क कर लेना। आज हमने क्या पढ़ा है कि संसद का गठन पढ़ा है, उसके अंदर क्या है कि किस प्रकार इनके इनके लिए योग्यताएं होनी चाहिए, किस को कैसे ये शपथ लेते हैं। आगे का ये टॉपिक अपना कंटिन्यू रहेगा, उसमें हम ये यहाँ पर संसद के सत्र से इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जितना चैप्टर आपको यहाँ से पढ़ाया है, हमने स्टार्टिंग ही की है चैप्टर की, इसको दोबारा से रीड कीजिएगा। थैंक यू।